हाँ, रेगिस्तान के सम सैंड ड्यून से आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी अच्छा ट्रिप चल रहा है राजस्थान का। प्लेलिस्ट यहाँ पे मिलेगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर अभी तक मिस किया देखना वो चेक कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ सम सैंड ड्यून्स में कल ही आ गए थे, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की थी रेगिस्तान के अंदर और इस टेंट में हम लोग रुके थे रात को। अगर वो एक्सपीरियंस देखना है तो हम लोगों को एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। चलिए मैं आप लोगों को एक दिन पीछे लेके चलता हूँ, वहाँ की जो रेगिस्तान की एक्टिविटीज़ थी और ये जो टेंट है उसको दिखाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे थम्स अप कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा ये वीडियो। तो जैसलमेर से सटा हुआ सम सैंड ड्यून्स 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, मेनली डेजर्ट सफारी के लिए फेमस है। तो अभी सम इंटर करने से पहले ही एक जीप सफारी होती है, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को सफारी पर लेकर चलते हैं। कह रहे हैं ये निकल पड़े हम सफारी पर अपने। जीप वाले भाई साहब से नेगोशिएट करते करते काफ़ी टाइम बीत चुका था और हमारी जो सफारी थी वो बन गई थी चेस सफारी। हम लोग चेस कर रहे थे सनसेट को क्योंकि सनसेट होने का टाइम निकला जा रहा था। जैसे हम लोग रेगिस्तान के बीच में पहुंचे ठीक उसी टाइम पे सनसेट हो गया। इस जीप में अभी हम लोग करके आए हैं जीप सफारी और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। पैरासेलिंग है, पैराग्लाइडिंग है, एटीवी राइड्स हैं, कैमल राइड्स हैं और फोटोग्राफी के लिए तो अल्टीमेट स्पॉट है। सनसेट तो देख लिया और सनसेट के टाइम बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक नहीं कर पाए, थोड़ा लेट हो गए थे और इस जीप के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएट किया हमने। फाइनली ये कुछ 1200 में हमें पूरी राइड कराने के लिए लेके आए हैं जीप सफारी। बहुत एडवेंचरस राइड है, वीडियो में आप लोगों को देख के समझ में आएगा ही, वन ऑफ अ काइंड है इंडिया में। आएंगे आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। सनसेट और सनराइज़ दोनों ही इस रेगिस्तान से काफ़ी अच्छा दिखता है और काफ़ी सारे रेगिस्तान के अंदर भी नॉमनक्लेचर कर रखा है, रॉयल, मुगल, फिर असली थार, आई डोंट नो डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएट इन सफारी वाले भाई लोगों ने कर रखा है। आप लोग जब भी डेजर्ट सफारी करने जाइए सम सैंड ड्यून्स में, थोड़ा अपने हाथ में टाइम रखिए, हमारे तरह लास्ट मोमेंट पे मत पहुँचिए जब सनसेट होने वाला हो। आपके पास टाइम रहेगा, यानी कि आप 4 बजे के आसपास पहुँचेंगे तो आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकेंगे और साथ ही साथ एंजॉय कर सकेंगे सनसेट को। खैर, हमने सनसेट की कुछ पिक्चर्स कैप्चर की, कुछ ड्रोन शॉट्स लिए और उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने कैंप की तरफ सम सैंड ड्यून्स में। अभी हम लोग हैं मालरा हेरिटेज कैंप सम सैंड ड्यून्स में। जीप सफारी करके हम लोग यहाँ आ गए थे, यहाँ पे अच्छे से स्वागत किया हमारा लोगों ने तिलक वगैरह लगा के। और उसके बाद जब ये कल्चरल प्रोग्राम शुरू हुआ तो कल्चरल प्रोग्राम में इन्होंने काफ़ी सारे परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, डांस हुआ, गाना हुआ, तरह तरह की एक्टिविटीज़ हुई। साथ में इन्होंने सर्व किया चाय और पकौड़ी।
यहाँ बहुत सारे कैंप्स हैं सम सैंड ड्यून्स में, कम से कम सैकड़ों कैंप्स होंगे, उन्हीं में से एक ये है मालरा। गूगल पे इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, हमने इसको पिक किया, हमने डायरेक्टली इनसे बात की, मेक माई ट्रिप हुआ वीवो के थ्रू बुकिंग किया, और हमें ये 1200 रुपये पर पर्सन का पड़ा। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, कल्चरल प्रोग्राम है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, स्नैक्स एंड टी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कैमल राइड भी कराते हैं। तो ओवरऑल डिसेंट पैकेज है। कैंप कैसा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पीछे कैंप का एंट्रेंस और हमारे कैंप्स हैं, एक लाइन से सारे कैंप्स बने हुए दोनों तरफ, उनमें से एक कैंप हमारा है। रूम काफ़ी बड़ा है, डिसेंट साइज का रूम है, रूम में एक एक्स्ट्रा बेड भी डलवाया क्योंकि हम 3 लोग थे, और रूम के अंदर परमानेंट बाथरूम बना रखा है। आप कोई भी कैंप एक सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप आके जैसलमेर में सम सैंड ड्यून्स में एक कैंपिंग का मज़ा ले सकते हैं। माल देख के आप लोगों को समझ में आएगा कि हमारी क्या लगती थी जीप सफारी में। खैर जीप सफारी को पीछे छोड़ते हैं, डिनर का बताता हूँ मैं। डिनर करके भी हम लोग आए, ठीक ठाक सा मेन्यू था, पनीर की सब्ज़ी थी, गट्टे की सब्ज़ी थी, दाल थी, दाल बाटी, चूरमा पूरा जो सेट होता है राजस्थानी खाने का, चपाती, चावल, सॉरी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी खाने की, जो भी मेरी एक्सपेक्टेशन थी कैंप साइट पे जिस तरह का खाना हो सकता है डेफिनेटली उससे अच्छा था। और रेस्टोरेंट वाले खाने के से आप कंपेयर नहीं कर सकते, रेस्टोरेंट वाला खाने का टेस्ट अलग होता है, ये शादी वाले खाने के बहुत ज़्यादा करीब था। और एक चीज़ मैंने कैंप में नोटिस की, अगर आप कैंप में आ रहे हैं रहने के लिए यहाँ पे या किसी भी कैंप साइट पे, तो जो शाम का प्रोग्राम होता है गाने बजाने का वो 10 बजे तक चलता है और काफ़ी लाउड होता है म्यूज़िक, तो अगर आपको लाउड म्यूज़िक पसंद नहीं है तो अच्छे ईयरबड्स का इंतज़ाम साथ में करके आइएगा। बाकी हम लोग सवेरे उठेंगे और सवेरे का क्या प्रोग्राम है थोड़ी देर बाद आप लोगों को पता चल ही जाएगा। निकलने के पहले हम लोग निकल चुके थे अपने कैंप से और चले गए थे सामने एक सैंड ड्यून के ऊपर, जहाँ से कैप्चर करना था हमें टाइम लैप्स सनराइज का, और साथ ही साथ लेने थे कुछ ड्रोन शॉट्स, जिससे आप लोगों को अंदाजा लग सके जिस कैंप में हम लोग रुके हैं वहाँ की सराउंडिंग कैसी है। के डिनर के मुकाबले ब्रेकफास्ट काफ़ी लिमिटेड था, काफ़ी लिमिटेड क्या कहूँ, 2 ही आइटम थे, पोहा, ब्रेड बटर एंड जैम और चाय। भले ही ऑप्शंस लिमिटेड रहे पर क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। कुणाल और प्रिंस ने डिसाइड किया है कि ये लोग ऊँट पे बैठ के रेगिस्तान में ऊँट की सवारी करने वाले हैं। ये देखो कैसा एक्सपीरियंस था प्रिंस और कुणाल आपका? भैया बहुत उबड़ खाबड़ एक्सपीरियंस था, बैलेंस नहीं बना पाए, बैलेंस बना ही नहीं पाए, वही कोशिश करते रहे कहाँ एडजस्ट हो, लेकिन मस्त रहा है। हाँ बट बहुत बढ़िया था, अच्छा एक्सपीरियंस था। मालरा कैंप से हम लोगों ने चेकआउट कर लिया और अभी निकल रहे हैं, एक एबंडेंट विलेज है कुलधारा करके, वहाँ जाते हैं, दिखाते हैं कैसा वो एबंडेंट विलेज। अपने कैंप से निकल के जा रहे थे कुलधरा की तरफ, अचानक से मैं गाड़ी रोकी, क्यों रोकी उसका रीज़न है ये पीछे दूर दूर तक फैले हुए हरे हरे खेत। बहुत ही अमेजिंग लगा कि इतने बड़े रेगिस्तान में इतना बड़ा खेत है जहाँ पे इतनी सारी खेती हो रही सरसों की। कुलधरा एबंडेंट विलेज देखने के लिए गूगल मैप पे जो जगह मार्क की गई है वहाँ पे वो जगह नहीं दिखी हमें, तो आप लोग अगर आने वाले हैं कुलधरा देखने के लिए तो लोकल से पूछ के आइए कौन से रास्ते से कैसे जाना है। हम लोग नहीं पहुँच पाए, आप लोग पहुँचिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसी है वो जगह,
फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सबसे लंबी रोड ट्रिप पे। अभी तक की जितनी लंबी रोड ट्रिप्स मैंने की है उससे भी लंबी है, 600 से ज़्यादा किलोमीटर है यहाँ से जयपुर निकल रहे हैं। अगला वीडियो मैं जयपुर से लेके आऊँगा। जब तक अगला वीडियो लेके आता हूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।